आईडीएस वापी संजय सुटेन तीसरी कक्षा सक्षम विद्यालय वर्धा की विद्यार्थिनी हूँ। आज मैं एक कहानी पढ़ूंगी। उस कहानी का नाम है दर्द। इस कहानी से हम जानेंगे कि पेड़ पौधों में भी हमारी तरह ही प्राण होते हैं। मनुष्य की तरह चोट लगने पर उन्हें भी दर्द होता है। एक बालक ने इसे कब और कैसे समझा, आइए पढ़ें। रविवार का दिन था। सुबह की गुनगुनी धूप बहुत सुहानी लग रही थी। तभी आवाज आई, गौतम, अरे ओ गौतम। गौतम ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। उसके सारे दोस्त उसे क्रिकेट खेलने के लिए बुला रहे थे। अपना बल्ला लेकर वह अपने दोस्तों के साथ मोहल्ले के बगीचे में क्रिकेट मैच खेलने चल दिया। गौतम की टीम मैच जीत गई। उसके सारे दोस्त खुश होकर घर लौट चले। गौतम भी हाथ में बल्ला घुमाते हुए घर की तरफ चल दिया। अभी वह गेट तक पहुंचा ही था कि उसकी नजर कैरी में टहनी पर झूलते एक लाल गुलाब पर पड़ी। उसकी पंखुड़ियों पर अच्छी ओस की बूंदें मोतियों से चमक रही थी। लाल गुलाब पर मंडराती तितली मानो गुलाब के कानों में अपने मधुर गीत गुनगुना रही हो। इतने खूबसूरत लाल गुलाब को देख गौतम का मन उसे तोड़ने के लिए मची उठा। उसने बगीचे में चारों ओर नजर दौड़ाई। उसने देखा कि माली काका कहीं नहीं थे। पिछले बार फूल तोड़ते हुए माली काका ने देख लिया था। फिर उन्होंने समझाया भी था, गौतम भैया फूल मत तोड़ा करो, बगीचे की सुंदरता फूलों से ही होती है। अगर तुम फूल तोड़ोगे तो बगीचे की शोभा खत्म हो जाएगी। फूलों में भी जान होती है। वक्त से पहले तोड़ने से वे दुखी होते हैं। परंतु गौतम ने उनकी बात अनसुनी कर दी थी। सुंदर सुंदर फूल गौतम को हमेशा आकर्षित करते थे। वह फूलों को तोड़ता, उन्हें थोड़ी देर उछालता और फिर पंखुड़ियां अलग करके फेंक देता। उसका बड़ा भाई कौशल उसे समझाता, गौतम फूल मत तोड़ा करो, उनकी जिंदगी छोटी होती है। अपनी छोटी सी जिंदगी में वे खुशबू फैलाते हैं और मुस्कुराकर हमें जीना सिखाते हैं। तुम उन्हें तोड़कर उनसे खेल कर उन्हें कष्ट देते हो, न जाने कितने दुखी होते होगी फूल। गौतम हंस देता, गौतम फूल भी कई दुखी होते हैं। आज फिर खूबसूरत लाल गुलाब को देख गौतम उसे तोड़ने की कोशिश करने लगा। उसने टहनी को पकड़कर झुका लिया और लाल गुलाब जैसे ही तोड़ा उसकी चीख निकल आई, आ! एक कांटा उसके अंगूठे में चुभ गया था। टहनी झटके से खींचने से गुलाब भी टूटकर धूल में बिखर गया। गौतम की आंखों में आंसू छलछला उठे। जैसे ही उसे कांटे के चुभने से दर्द हुआ, उसे अपने बड़े भाई कौशल की कही बात का ध्यान आया। उसे आज लगा कि चोट पहुंचाने पर फूलों को भी इसी प्रकार दर्द होता होगा। गौतम ने प्रण लिया कि अब वह फूलों को दुख नहीं पहुंचाएगा। फूलों को क्या, वह अभी किसी को भी दुख नहीं पहुंचाएगा। धन्यवाद।